अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट चौधरी बाबर श्री कंजू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी बाबर कंजू ऑफिशियल। जी दोस्तों, आज का जरा दिन है, ये वो दिन है जिस दिन साडा मुल्क पाकिस्तान एक माशरे वजूद में आए। आज का दिन 14 अगस्त 2022 का दिन है, लेकिन इस दिन याद करीदा 14 अगस्त 1947 के दिन के तौर पर इस याद करने हैं। सिर्फ मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये कि आज दे असी नौजवान समेत मेरे असी इस पाकिस्तान का आज़ादी वास्ते की कुछ असी करने आ, किन्ना कुछ असी जश्न मनाने आ। जश्न मनाना चाहिए, लेकिन आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए क्यों? साडा एक मुल्क माशरे वजूद में आए, लेकिन आज़ादी के नाल नाल उन्हां रहनुमां नूं भी याद करना चाहिए जिन्हें इस पाकिस्तान बनने की जिद्दोजहद की है, जिन्हें पाकिस्तान की कोशिश की है। अज असी इस मुल्क दे विच आराम दे नाल किवें जिंदगी गुजारते पए आ, जिन्हें पाकिस्तान दे वास्ते बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां, उन्हां नूं भी नाल नाल सानूं इन्हां जशन दे नाल नाल उन्हां नूं भी याद करना साडा एक फर्ज बनता है। अज असी नौजवान इस मुल्क दे विच किस तरह जश्न मनाने हैं? जनाब, मेरी पार्कों का रुख कर लें, हैडा का रुख कर लें, मुख्तलिफ तफरी गावों का भी असी रुख करने, लेकिन उन्हें रहने माँ वास्ते या जिन्ना कि जो खानदान के खानदान ही उजड़ गए हैं उन्हें वास्ते भी असी जनाब मेरी अज तक उन्होंने याद नहीं किया भी उन्होंने भी इस पाकिस्तान बनने के विच करदार है। या अज असी जिहड़े आ सारे तफरियां कर रहे हैं मुख्तलिफ मकामात ते जाके, ये असी हुनांदी यानी कि उन्होंने कुर्बानियां दित्तियां, पाकिस्तान बनिया हुनांदी कोशिशों के नाल अज असी इस मुल्क दे विच आज़ाद फिर रहे हैं, अपनी आज़ाद इबादत कर रहे हैं, अपना आज़ाद असी रह सहन रहे हैं इस मुल्क दे विच। कदी थोड़ा जा सोचो, कैद आज़म मुहम्मद अली जिना इलामा मुहम्मद इकबाल नू भी उन्हें किड्डी कोशिश करके इस मुल्क नू बनाने की कोशिश की थी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अल फरदोस विच आला मकाम अता फरमाए, लेकिन उन्हें दे नाल नाल भी जेड़े रहनुमा आए उन्हें भी बड़िया कोशिशा कीतियां। तो उस तो बाद जनाब मेरी जेड़े जदों इस पाकिस्तान ते तकसीम होने तो बाद जो मुसलमान इंडिया वेच वो पाकिस्तान आए, साडे महाजर लोग उन्होंने रस्तियां दे वेच कितनिया कु तकलीफा हुईया, कितनिया अजीतां उन्होंने बर्दाश्त करन तो बाद वो साडे मुल्क पाकिस्तान वेच पहुँचे। अगर अज उन्हें दे नाल गुफ्तगू की जाए उन्हें लोगों के नाल जो उदन उस टाइम दे तकरीबन 14-15-10 साल की उम्र के जेड़े लड़के आए उदन जेड़े वो हिजरत करके इत्थे पहुँचे साडे मुल्क दे विच, अज उन्हां दी उम्र 74-75 साल हो गई, लेकिन अज उन्हां दे नाल गल करिए ना उन्हां दी अखां चो आंसू तारी हो जाते हैं। तो मैं एक वीडियो अपलोड की है पिछले साल गलबन है उन्दे कोलो मेरे ना गुफ्तगू ना ही हो सकी भी उन्दे अखी के सामने उन्हें वालदा नूं शहीद किया गया, उन्हें मुकम्मल खानदान नूं शहीद किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की खातर उन्हें बड़िया बड़िया कुर्बानियां दित्तियां। जिस टाइम वो हिजरत करके उधर आए उस टाइम जेड़े हिंदू या सिख उन्हें मुसलमाना भरावान के उत्ते बड़ा बड़ा जुलम कमाया, लेकिन सानू यह सोचना चाहिए सी भी असी इस आज़ादी नू किवें मनाने आ। कम से कम सुबह फजर उठ के फजर की नमाज अदा करो, उस तो बाद तलावते कलाम पाक करो, उस तो बाद उन्ना शहीदा नू जिन्ना पाकिस्तान की खातर शहीद होए, जिन्ना पाकिस्तान बनाने की कोशिश की सारे, कम से कम उन्ना नू इस तरह सारे सवाब मिला करना चाहिए है। क्यों अज असी उन्हां दी कुर्बानियां दी वजह तो अज असी इस मुल्क दे विच आराम दी जिंदगी गुजार रहे हैं। कदी अपना तुसी थोड़ा बला सोचना चाहिए है,
थोड़ी जी अपनी सोच को पिछे ले जाओ। अगर असी ये मुल्क आज़ाद ना होंदा तो फिर साडे मुसलमानां नाल हाल की होंदा। तुसी इंडिया का हिसाब ला लो, अंदर उद्दे मुसलमान पाकिस्तान नाल भी ज़्यादा, लेकिन की है कुछ भी नहीं। किवें एक मुजहरा किसी चौधरी को मुजहरा जिंदगी गुजारदा पे, इस तरह उद्दे साडे मुसलमान जिंदगी गुजारदे पे ने। अपनी खुल के इबादत नहीं कर सकते, अपनी खुल के जिहड़ी सलामी आउंदे दिन त्यौहार उस दे मुताबक वह भी खुशी नाल नहीं गुजार सकते। तुसी जरा सोचो अज इदे ओ हाल हुंदा ते असी किवें गुजारदे भला, इंजी लुक छुप के इबादतां करनियां। ज़रा थोड़ा जिहा इस नूं सोचना चाहीदा है, उन्हां रहनुमाओं वास्ते भी जां उस खानदान वास्ते भी सोचना चाहीदा जिन्हां पाकिस्तान की खातर कुर्बानियां दित्तियां, जिहड़े पाकिस्तान की खातर शहीद हो गए सन। तो वैद वैद एक एक फर्द बड़ा बड़ा खानदान उन्हां दे अखी दे सामने उन्हां नूं शहीद किया गया है। तो अज भी वो लोग अपना उस पिछे नूं याद करके रोंदे ने। तो असी जनाब मेरी करदे की हाँ, वो तूतियां वाजे ले लैने, मोटरसाइकिल ते चढ़ जाने, मोटरसाइकिल सनसर खोल लैने, रोड़ा ने 50 सौ 50। लेकिन उस उन्हें अजीम रहनुमा दियां कुर्बानियां जिहड़ियां ने वह भी याद करनियां चाहीदियां ने। तो कहानी बड़ी है, लेकिन अगर इस टॉपिक तो शुरू किया जाए ख़त्म ना होने वाली है। तो इस नाल ही मैं थोड़ा अपना होस्ट चौधरी बाबर शरीक कांजू, तुसी इजाज़त दो, वस्सलाम।